Sri Krishna, Sri Krishna, Sri Krishna, Sri Krishna. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwaraha, Guru Sakshat Param Brahma, Tasmai Sri Gurave Namaha, Tasmai Sri Gurave Namaha. Hum log Sant Gyaneshwar ka अमृतानुभव का अध्ययन कर रहे थे और उनके गुरु महाराज थे निवृत्तिनाथ महाराज। तो कल की एकादशी और आज की एकादशी, ये दिन उनकी संजीवनी समाधि त्र्यंबकेश्वर के पास हुई थी और वहाँ जो भक्त लोग जाते हैं और उनके प्रति अपना भाव समर्पण करते हैं। निवृत्तिनाथ माने क्या? जो निवृत्त होना है, और ये निवृत्ति ऐसी है कि जो प्रवृत्ति के विरोधी नहीं है। देखो, हम जो सच्चिदानंद को समझ रहे हैं ना, वो यही अर्थ है। तो हमको कहीं रिटायर नहीं होना, कहीं जंगल में पहाड़ों में नहीं जाना है। तो फिर साधना क्या करनी है? समझदारी से, जैसे मिलिट्री की ड्रिल होती है, बाएं से तेज चल, रोज वही का वही, या रोज वही प्राणायाम, वही आसन, और फिर धीरे धीरे आदमी में, साधक में, व्यक्ति मैकेनिकल हो जाता है। जैसे जो उपासना करने वाले हैं, उनमें यही बात हो जाती है कि वही चीज रोज करते करते मैकेनिकल हो जाता है उसमें, यार ये कब तक करते रहे। और इसीलिए ध्यान के अभ्यास में भी हमको वही बात याद रखनी है। कोई नियम लेकर के ध्यान को नहीं बैठेगी, अब ध्यान शुरू करना है तो ये ऐसा नहीं। देखो उस दिन की, उस समय की मन की स्थिति क्या है। यदि आप ध्यान के लिए बैठे और मन नहीं शांत हो रहा है तो कोई बात नहीं, फिर इस मन को दूसरा कोई दे दो। तो कोई चैंटिंग शुरू कर दो, भगवद गीता का पाठ करे, एक आध बार भजन सुन ले, नहीं तो वो भी नहीं हो रहा तो फिर और स्थूल हो जाओ, थोड़ी साफ सफाई कर ले, एक आध बार भगवान को भी नहलाना चाहिए। तो ऐसा करके धीरे से अपना मन जो है वो वापस आ जाता है, और उसके बाद जब देखा कि अब वो तो कोऑपरेट हो रहा है, फिर उसको लगा दीजिए भगवान के नाम में। तो भगवान का नाम लेते लेते फिर एक आध माला पूरी हो गई, फिर हमने भगवान का नाम धीरे से लेना है। श्री राम, जय राम, जय जय राम। श्री राम, जय राम, जय जय राम। ऐसा धीरे धीरे करते करते जब मन काफी समय तक शांत रहने शुरू हो जाता है, तो उसके पश्चात फिर ये मन को हम योग्य प्रकार की आज्ञा दे सकते हैं। हम भले मन को कहे ये कर, वो मानने को तैयार नहीं, तो फ्रस्ट्रेशन आता है, हमको वैसे नहीं करना। तो फिर बैठने के पश्चात स्पष्टता होवे कि ये विक्षेप इत्यादि अब शांत हो गए, तो किसके किसको आ रहे थे, तो उसमें पता चलेगा कि वहां कोई एक व्यक्ति का जन्म हुआ था। वो व्यक्ति कौन है? वो व्यक्ति है, अब आज जाना है, सामान पैक करना है, यहाँ से गाड़ी का टिकट निकाला है, हो सकता है कि वहां टैक्सी मिले ना मिले। ये जो व्यक्ति है
उसके दिमाग में विचार आ जाएंगे। तो आप ठीक है ना, अब तो जाना तो है ना, अब चुप हो जाओ ना, अब अपना काम करो और फिर धीरे से मन को लगाए। तो कल हमने बताया था आपको थोड़ा बहुत आसन की दृष्टि से और थोड़ा बहुत प्राणायाम की दृष्टि से। पहले तो डीप ब्रीदिंग करें थोड़े समय के लिए, इसको कहते हैं नाड़ी शोधनम। 5 मिनट के लिए काफी है। डीप ब्रीद इन एंड डीप ब्रीद आउट, 5 मिनट तक करिए अपने आप। पांच मिनट तक ये किया, अब थोड़ा हमारा मन हल्का हो जाता है। और हल्का होने का कारण हमारे शरीर में जो मेटाबॉलिक टॉक्सिन्स तैयार होते हैं वो निकल जाते हैं। ये जो खाने के बाद खाना पचा रहे या पचा नहीं, तो जो टॉक्सिन्स निर्माण हो जाते हैं वायु के रूप में, वो हमारे खून में चारों तरफ रहते हैं और वो हमको परेशान करते हैं। तो ये डीप ब्रीदिंग से वो टॉक्सिन्स काफी हद में निकल जाते हैं। उसके पश्चात फिर जिनके कारण मन में विक्षेप आ रहे थे, वो विक्षेप अब अपने आप शांत होने लगेंगे, क्योंकि इन टॉक्सिन्स के कारण ही विक्षेप आते थे। ये हो गया। अब इसके पश्चात फिर हम सरल सीधे भावना पर आ जाए, रूप रंग का आधार दृष्टि। तो रूप रंग को त्यागा, दृष्टि पर आ गए। फिर सभी इंद्रियों का आधार मन, तो इंद्रियों को त्यागा, मन पर आ गए। मन के सभी विचारों का आधार बुद्धि, बुद्धि में आ गए। बुद्धि में विवेक जागृत होता है। विवेक यही है। क्या बुद्धि की अपनी स्वतंत्र सत्ता है?
नहीं, जब चेतना है तभी बुद्धि है, अपनी वैयक्तिक बुद्धि। अभी इसको समष्टि बुद्धि में अर्पण करना माने चेतना में पहुंच गए। जहां हम चेतना में पहुंच जाते हैं तो आपका पूरा शरीर एकदम ढीला हो जाता है, क्योंकि जो व्यक्ति था वो शरीर के साथ तादात्म्य करके बना था। चेतना में हम आ गए, अब व्यक्तित्व समाप्त हो गया। अब हमारी सांस धीमे और हल्की हो रही है। तो मन कोई विचारों को निर्माण करे या शब्दों को रिएक्ट करे, उसके पहले ये दो चीजों को प्रारंभ कर दे। अपने आप से नहीं बोलना और शांति का श्रवण करना। ये दो के द्वारा हम शब्द के परे चले जाते हैं। शांति का श्रवण माने किसी भी शब्द से प्रभावित नहीं होना। शब्द सुनेंगे लेकिन उसके द्वारा प्रभावित नहीं होंगे। और अपने आप से ना बोले।
इस अभ्यास में प्रारंभिक अवस्था में हम न चाहे तो भी हम बोलते रहते हैं अपने आप से। इसका कारण अभी हमने अपने आप को देह के अंदर ही माना है। अब ये भावना करें कि हम देह के बाहर हैं। जिस प्रकार आकाश देह के बाहर है, देह के बाहर माने अब हमारे मन ने देह के आकार को त्याग दिया है और इसीलिए अपने आप से बोलने का कोई प्रयोजन ही नहीं रहा। अब मन निराकार हो गया। इस भावना का तात्पर्य शरीर के प्रति उदासीन, अब हमारा मन आकाश के जैसा बिना किसी आकार विकार प्रकार से युक्त
विचार यदि आते भी हैं तो उसके प्रति उदासीन रहे। कोई भी विचार महत्व का नहीं।
यदि मन शांत है तो अच्छी बात है, यदि नहीं तो सांसों के साथ मन को राम का जप करने लगा दीजिए।
ध्यान के अभ्यास में हमको कोई विशेष प्राप्ति हो, कोई विशेष अनुभव आ जाए, कोई दिखे, ये सब मन के खेल है। इसमें अपने आप को न लगावे। गहरी सांस ले लो 2-3 बार। हाथ पैर की उंगलियों को हिला लो। सब कुछ चरणों में अर्पण करो। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।